सब आशा करते हैं कि आप सब एकदम सही होंगे एंड फिट एंड फाइन होंगे। तो हम सब जैसे कि कपड़े तो खरीदते हैं, सबको जरूरत पड़ती है ऑब्वियसली, तो हम लोग कपड़े तो खरीदते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई कपड़ों में क्या होता है ना कि रुएं निकल आती है, मतलब कि लिंट निकल आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, हमारी जो ड्रेस है वो थोड़ी रफ सी हो जाती है, ओल्ड जैसी हमको लगने लग जाती है। तो उसके लिए मैं आज एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ कि किस तरह से हमें रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए जो प्रोडक्ट है मैंने अगेन मीशो से परचेस किया है, और आप सब जानते हैं कि मैं अपने सारे प्रोडक्ट जो है वो मीशो से ही परचेस करती हूँ। तो देखते हैं कि हमारा जो लिंट रिमूवर है वो किस टाइप का आया है। तो फर्स्टली तो ये मुझे इस टाइप की पैकेजिंग मिला था, जैसे कि आप जानते हैं कुरियर पैकेजिंग ऐसी ही होती है। देन हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो ये है हमारा प्रोडक्ट, मतलब एकदम वैसे इसका जो लुक है ना, एक ट्रिमर की तरह लग रहा है। आप जैसे देख पा रहे होंगे ट्रिमर आता है ना, ट्रिमर के जैसा इसका लुक है। चलते हैं इसकी ओपनिंग की तरफ। तो ये अंदर से कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में है, पैकेजिंग इसकी बहुत बढ़िया से कर रखी है, और केबल मिलती है इसके साथ हमें। ये केबल है तो लाइट से ही आप इसको यूज कर सकते हैं, विदाउट लाइट के आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इस पे बटन आता है, ये इधर देखो बटन देख, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बटन दिया हुआ है। तो इससे हम इसको ओपन करेंगे, और ये जो है इसका बॉक्स है जिसके अंदर की आप जो भी लिंट निकालेंगे, जो भी रुए निकालेंगे, वो सब इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, ये आपको दिख पा रहा है। इसके अलावा इसका जो ये कैप है, यहाँ से ये रिमूव होगा, उसके बाद आप इसको चला पाएंगे। चलाने के लिए आपको इस कैप को यहाँ से हटाना होगा। आफ्टर दैट जब आप रुए निकाल लेंगे, तो उसके बाद यहाँ से आप इसको खोल के क्लीन भी कर सकते हैं। और देखते हैं इसके साथ एक और क्या प्रोडक्ट आया है। तो नेक्स्ट जो है वो इसके साथ ये छोटा सा ब्रश मिला है, छोटू सा है, क्लीनिंग के लिए दिया गया है कि मतलब जब भी आप इसमें रुए वगैरह निकालते हैं, लिंट निकालते हैं, तो उसके बाद आप क्या है कि इससे उसको क्लीन कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं इसका डेमो कि ये किस तरह से वर्क करता है, और वर्क कर भी रहा है प्रॉपर या नहीं कर रहा है। वजन में भी काफी कम है और एकदम ट्रिमर वाला लुक दे रहा है, देख के ऐसा लगेगा ना हमने ट्रिमर लिया हुआ है या कोई फेस मसाजर है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट सबके साथ हो ही जाती है ना, किसी ना किसी ड्रेस में तो ये वाली प्रॉब्लम निकल ही आती है। जैसे ब्लैंकेट वगैरह हो गया, हमारे स्वेटर हो गए, इनमें एक टाइम के बाद रुए निकल आती है, बेडशीट हो गई, या फिर कुछ हमारे ड्रेसेस भी होती हैं जिनके अंदर की रुए निकल आती हैं, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे अच्छा लगा। हार्डली मुझे ये मतलब 250 के अराउंड कुछ मिला है मुझे। फोटो भी लगा दूंगी तो आप देख पाएंगे कि इसकी MRP क्या थी और कितनी प्राइस में मुझे मिला है ये। और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप भी अपने लिए परचेज जरूर कर सकते हैं। मीशो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से प्रोडक्ट डाउनलोड करेंगे तो आपको फर्स्ट 3 ऑर्डर पर जो है वो 25% का ऑफ मिलता है। तो कीप शॉपिंग एंड कीप सेविंग। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो है कैसे वर्क करता है, तो चलते हैं डेमो। ये है मेरी बेडशीट, इस पे आप देख पा रहे हैं कितने सारे रुए हैं, ये देखिए फुल ऑन पे रुए ही रुए निकली हुई है इसमें। तो देखते हैं कि अब ये इस पे किस टाइप से वर्क करती है। तो ये हो गई है हमारी मशीन ऑन, लाइट चल गई है इसमें। इसका ये जो ढक्कन है थोड़ा लूज है, तो क्या निकल जाता है बार बार, बस यही प्रॉब्लम है इसमें, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितने सारे हुए निकल के इसमें।
देखिए, आप देख पा रहे हैं कि बिफोर आफ्टर कितना फर्क पड़ गया, हमारा जो स्वेटर है वापस से नए के जैसा हो गया एकदम, क्योंकि इसके ऊपर से सारी रुएं जो है वो निकल चुकी हैं। देखिए, और अभी ये वाली मैंने स्लीव जो है वो इस पर, बाकी है मेरी रुएं निकालना, और इधर वाली स्लीव देखिए आप, इस पर निकाल चुकी हूँ, दोनों में इतना डिफरेंस है, तो वाकई में है तो कमाल की चीज़ें। तो डेमो आप देख ही चुके हैं, डेमो के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे देखो कितने सारे रुए इसमें जो है कलेक्ट हो गए हैं। मेरी केबल थोड़ी छोटी थी इसलिए मैं इसको ज्यादा आपको नहीं बता पाई, इसका डेमो मैं थोड़ा सा ही कर पाई हूँ। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे आप, तो इसकी जो भी डस्ट है वो आपको इस तरह से निकालनी पड़ेगी। ये देखिए कितनी सारी डस्ट निकल गई है, तो काम की चीज तो है वाकई में, क्योंकि रुओं की वजह से क्या है ना कि कपड़े एकदम फैट से हो जाते हैं और पुराने से लगने लग जाते हैं। तो कैप तो आप इसकी इस तरह से साफ कर सकते, ब्रश की मदद से आप क्या करेंगे इसके अंदर भी जो है वो कचरा चला जाता है। ये देखिए, तो यहाँ से आप इसको रिमूव करेंगे, देन आप यहाँ से इसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा क्योंकि फिर इसमें जाम हो जाएगा ना, अगर कचरा फंस जाएगा तो फिर चलेगी नहीं अच्छे से। तो यहाँ से भी ये जो इसका कैप है वो निकल जाएगा, इसमें भी देखिए आप थोड़ा बहुत फंसा हुआ है कचरा, देख पा रहे हैं अगर आपको, ये देखिए। तो हमें प्रॉपर जो ये ब्रश है उसकी वजह से इसको, जब भी आप इसको यूज करेंगे तो यूज करने के बाद आपको इसे क्लीन करके रखना पड़ेगा। अंदर देखिए आप, इसमें भी कितना सारा जो है वो कचरा फंस गया है, तो हमें इसको भी ब्रश की हेल्प से ही साफ करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि इसमें ब्रश भी दी हुई है, क्योंकि छोटी सी ब्रश है ना तो कहीं भी आराम से जा पाएगी ये, अगर हम बड़ी ब्रश से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। वैसे हम टूथब्रश वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, अगर आपकी ये ब्रश नहीं आती है, ब्रश खो जाती है कभी, तो इस तरह से ये हमने इसको क्लीन कर दिया। अब देखिए आप, इसमें कुछ भी नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोडक्ट रिव्यू, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।